हे गाइस, रेशमीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज डे 3 हम लोग निकल चुके थे चिल्का लेक के तरफ, और भी बहुत सारे जगह हम लोगों को बोला गया था कि हम लोग चलेंगे। तो हम लोग अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ पर सब कोई अपने तरीके से बैठ के सेटल हो चुका है, और सबके साथ आप लोगों को एक इंट्रो तो ज़रूर बनता है, वो ज़रूर करवाऊँगे। तो चलो, निकल चुके हैं। किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आपको पता है? अच्छा, हम लोग चिल्का लेक जा रहे हैं, उसके बाद बहुत जगह पे घूमेंगे, सब कुछ आप लोगों से डिटेल में शेयर करेंगे। तो यहाँ पीछे भैया या रंजन या आरती या हमारी सानवी या पापा या हमारी बड़ी भाभी, हाय कर दो। बहुत दीदी, तो हाय करो ना, तो गर्मी बहुत है। इधर है नियिका, हाय करो। और इधर है तो जय वीरू, आगे में ये करते हो, वेट करते हो। तो चलिए, हम लोग भी ट्रिप को एंजॉय करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करो। और क्या बोलो, मिलते हैं। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके थे और रास्ते में ही चल रहे थे, और हम लोगों ने एक कैब कर लिया था, पर्सनल कैब कर लिया था, एसी कैब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और सही में मतलब अगर आप एसी कार वगैरह ना करो, हायर मत ना करो कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, उड़ीसा में खास करके बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पड़ती है। हम लोग तो काफ़ी परेशान हो चुके थे, बट ये जो सीनरी आप देख रहे हो ना, दोनों तरफ से पेड़ और उसके बीचों से हम जा रहे हैं, बहुत आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। और चारों तरफ मतलब क्या बोलो, पानी। यहाँ से चिल्का लेक स्टार्ट हो चुका था, तो हमारा आज का डेस्टिनेशन चिल्का लेक, और हमें तो उतना पता नहीं था कि वहाँ जाके क्या होगा नहीं होगा। तो ये हमारे लिए भी एक एक्साइटिंग सफ़र था। तो हम लोग भी पहुँचते, आप लोग भी हमारे साथ चलो, और पहुँच के कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट में लिखना जरूर। चलो मिलते हैं आप लोगों को चिल्का लेक पे। तो हमारा डेस्टिनेशन हम लोग पहुंच चुके थे, और ये जो मेनू कार्ड देख रहे हो ना, ये हम लोगों को पहले से खाने के लिए बुकिंग कर देना पड़ता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा हमें वहां पर, बट स्टिल क्या करें, टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा बहुत तो खाना एक्सपेंसिव होता ही है। बट आप लोग थोड़ा देख लेना जो भी आप लोग जाना चाह रहे हो। तो ये पानी देख के ना मुझे तो लग रहा था काफी डर, बट एक्साइटमेंट भी कहीं था कि यहाँ पर बहुत कुछ दिखेगा, डॉल्फिन दिखेंगे, रेड क्रैब्स दिखेंगे, और नारियल पानी तो जरूर बनता है। आप पूरी गए हो, नारियल पानी नहीं पियो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और यहाँ पर देखो, ये रहा टिकट काउंटर जहाँ की आपको टिकट लेनी पड़ती है, और ये बड़ा बोट छोटा बोट आपको वो देख के आपको बात करना पड़ता है। हमारा शायद 7,000 समथिंग पड़ा था बड़े बोट का। और ये सब जो देख रहे हो ना, पॉज करके वीडियो को देख लेना। हम लोग पहन के अभी चिल्का लेक पे जाने वाले हैं। कौन सा अब तो आपने ये चूज करके, बड़े बड़े निकालो मत, छोटे छोटे निकालो, सब शॉर्ट हाइटेड है। बोलू क्या किसी को? सबके सब निकल चुके हैं यहाँ पर, देखो सब लाइफ जैकेट पहन लिए हैं और जा रहे हैं चिल्का लेक के अंदर। पता चल रहा है कि वहाँ पर बहुत सारा कुछ है, डॉल्फिन्स दिखेंगे, उसके बाद रेड क्रैब्स दिखेंगे, तो जो भी दिखेंगे सब कुछ कैप्चर करेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। तो यही बात है, चलो फटाफट साथ में चलते हैं फटाफट। ओ बंदे थे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कहाँ से आया। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अमेजन फॉरेस्ट में जा रहे हो, एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। चिल्का के चक्कर में मेरा बदन का छिलका निकल रहा है जी, धूप भी कड़ा है। धूप तो काफी है, लेकिन एक्सपीरियंस करना भी एक अलग बात है। चलो करते हैं, पता चलेगा कैसा है नहीं है, और इन लोगों से भी शेयर हो जाएगा। अमेजन फॉरेस्ट में मछली पकड़ने जा रहा है दादा। दादा आपको कैसा अच्छा लग रहा है? अरे खतरनाक लग रहा है, गर्मी देख रही है। और वहाँ पर अंदर में जाके बोल रहे हैं कि हवा लगेगा बहुत जोरों का, घुसा बाकी है, बाकी सब तो दादा आपको कैसा लग रहा है? दादा ओ दादा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते लग रहा है, आगे अच्छा हो। आपको कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है। पापा को बोलो चलते हैं। आगे
तो यहाँ पर ये दोनों भाई मजे से पानी की तरफ चल रहे थे और मुझे लग रहा था काफी डर, आप पानी देख रहे हो काफी हाई है और इस पानी के लेक का गहराई भी ना काफी है, तो मैं एज पर्सनल मुझे पानी से जो डर लगता है, बट स्टिल मैंने अपने आप को इनकरेज किया कि नहीं वी शुड गो, तो मैं बैठ तो गई थी बट कहीं ना कहीं दिल में डर था। बट जो पानी को एंजॉय करते हैं लोगों के लिए तो बहुत बहुत, और बहुत गर्मी भी थी बट स्टिल हम लोग पानी में जाने के बाद ना हमें गर्मी नहीं लग रही थी, और ये नज़ारा जो है ना ये आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा क्या ही बताओ, आपका मन ना पूरा भर जाएगा पक्का, आप एक बार जाओ उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर सबके सब वीडियो रील्स वगैरह हम लोग सब कुछ बनाने लग गए थे, और ये देखो ये था एक्साइटिंग चीज, यहाँ पर जो व्हाइट वाले बर्ड्स है ना इन लोगों के लिए हम लोग लेके आए थे खाना, और ये लोग अपने उड़ के आते हैं और यहाँ पर आपको खाना देना पड़ता है और ये लोग आपके आके ना तो खाना खा के जाते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में, और यहाँ के माइग्रेटिंग बर्ड्स है ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ये बाहर से कहीं से आते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो कि आपको इसी सीजन में इन लोगों को देखने मिलेंगे। तो ये लोग को हम लोग खाना दिए, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था डॉल्फिन, जो कि हम लोग काफ़ी देर वेट कर रहे थे बट डॉल्फिन हमें नहीं दिखा, स्टिल हमारा जाना जो था वो हमें पूरा पूरी मुझे लगा सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि उसके लिए कैसे हुआ वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया था कि ये डॉल्फिन दिखने का जगह है, बट हमें डॉल्फिन नहीं दिखी अभी तक, तो नहीं दिखी, या हो सकता है रास्ते में वो भी चल रही होगी तो हम लोग के साथ भी चल रही होगी तो मिल जाएगी दिखने में। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं रेड क्रैब के वहाँ पर, अब रेड क्रैब लोग की अगर लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के अगर अंदर हो गए होंगे घर पे चले गए धूप में तो वो भी नहीं दिखेंगे, तो आशा तो है दिखने का, चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक अजूबा दिख गया हमें, लॉन्च के ऊपर स्टीमर्स के ऊपर एक बड़ा सा बस को वो लोग कैरी करके ले जा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कैप्चर करूं और आप लोगों को दिखाऊं, तो देख रहे हो मैंने इसको कैप्चर किया, देखने में बहुत दूर था ना तो उतना बड़ा लग नहीं रहा था बट स्टिल एक बहुत बड़ा बस था अंदर में, और यहाँ से हम लोग जा रहे थे रेड क्रैब की तरफ, और काफी लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस है, ये देखो रेड क्रैब। ये सिर्फ देखने के इनको लौटा देना है। तो ये जो नेचुरल पर्ल था ना इसको ये लोग तोड़ के दिखाने का कोशिश कर रहे थे, और ये टूटा नहीं, ये ऑलरेडी ब्रेक नहीं हुआ और ऊपर से इसका दाग बैठ गया लकड़ी के ऊपर, और ये जो एक शी शेल जैसा था इसमें से एक मल्टी कलर मतलब व्हाइट कलर पर एक पत्थर निकला, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो ये 7-8 रंग रिफ्लेक्ट कर रहा था। चिल्का लेक पे ही अभी भी घूमे जा रहे हैं और अभी जस्ट आए हैं, यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, पीछे देखो फॉरेस्ट है, इसके पीछे कुछ बीच वगैरह है तो उसमें भी जाएंगे। यहाँ पर ना आपको जो भी फ्रेश वाटर के फिशेज होते हैं वो सब बना के खिलाए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या मिलता है, सब कुछ हम लोगों को दिखाएंगे, लेकिन जगह बहुत बहुत ही बढ़िया, बट अगर धूप है ना तो यार गॉन, मुंह पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और स्टिल चलते हैं देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब कुछ बहुत वंडरेबल चीज़ है जो दिखा मेरे को, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ से ना एक आइलैंड जैसा था और यहाँ से पार करके मतलब क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना था, जो कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे बट स्टिल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक एक्साइटिंग चीज़ निकला। हम लोग इस तरफ चिल्का लेक के तरफ थे और बहुत शांत जगह, और जब पूरा यहाँ बालू वाइट सैंड को क्रॉस करके उस तरफ गए ना तो एक ऐसा अनोखा चीज़ जो कि हम लोग देख पाए, और हमारी थकान जो थी ना वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी, आपको सच बताओ पूरी 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 ख़त्म हो चुकी थी, इतना सुंदर नज़ारा सच में कभी नहीं देखा। काहे दो ना चपला, यही पर मरमेड मिलती है क्या? अरे इधर में मरमेड मिलती है क्या? मरमेड्स